नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शान अब्बास मिर्जा। जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और आरोप पत्र में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। साथ ही ये दावा किया गया है कि रेलवे में नौकरी और उसके बदले जमीन का लेन देन खुद लालू यादव ही तय किया करते थे। चार्जशीट में ईडी ने यह दावा किया है कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर प्लॉट लिए थे। ईडी की चार्जशीट के बाद लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं और चार्जशीट में ईडी ने यह दावा किया है कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर लैंड प्लॉट लिए थे। आपको बता कि आरोप है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है और ईडी का ये भी आरोप है कि लालू यादव ने घोटाले की साजिश इस तरह से रची है कि अपराध से अर्जित जमीन पर कंट्रोल तो उनके परिवार का हो लेकिन जमीन सीधे इनसे और इनके परिवार से लिंक ना हो पाए। चार्जशीट के मुताबिक प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से अर्जित आय को खपाने के लिए कई शैल कंपनियां खोली गईं और ज़मीनें उनके नाम पर करवाई गई थी। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि रेलवे में नौकरी और उसके एवज में रिश्वत के तौर पर जमीन लेना दोनों लालू प्रसाद यादव खुद ही तय किया करते थे। इसमें उनका साथ परिवार और उनके करीबी अमित कात्याल दिया करते थे। तो वहीं पर ईडी का भी आरोप है कि रिश्वत के तौर पर ली गई कई लैंड प्लॉट ऐसे हैं जो लालू प्रसाद यादव के परिवार की जमीन के ठीक बराबर में थे और इन प्लॉट्स को कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया था। अपराध से अर्जित आय के जरिए लालू के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के पास करीब 7 प्लॉट आए जो पटना के महुआ बाग में स्थित हैं। ईडी ने यह दावा किया है कि इसमें से 4 जमीन के टुकड़े अप्रोक्ष और प्रोक्ष रूप से राबड़ी देवी से जुड़े हुए। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का दानापुर के महुआ बाग गांव से पुराना नाता है क्योंकि ये पटना के राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास स्थित है जहां लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्य साल 1976 में रहा करते थे। तो वहीं पर ईडी ने चार्जशीट के अंदर आगे ये भी दावा किया है कि भोला यादव ने PML की धारा 50 के तहत दिए अपने बयानों में ये स्वीकार किया है कि वह तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के OSD थे और इसके अलावा भोला यादव ये भी कहा कि गिफ्ट डीड लालू यादव के पटना आवास 10 सर्कुलर रोड पटना पर हुई थी। रेल मंत्री के OSD के रूप में भोला यादव की नियुक्ति की पुष्टि रेल मंत्रालय के द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के साथ CBI की चार्जशीट से हुई है और लालू यादव ने जब उनकी बेटी को करोड़ों रुपए की जमीन गिफ्ट के तौर पर मिलने को लेकर एक सवाल किया तो उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी करने से साफ इनकार किया और इस पूरे मामले से संबंधित भूमि लेन देन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि लालू यादव की मुश्किलें ईडी की चार्जशीट के बाद कितनी बढ़ती हुई नजर आती हैं और किस तरह से लालू इससे बाहर निकलते नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।